साथियों, आपने जिस प्रकार से अपने मोबाइल की फ्लैश जला करके इस समारोह को शानदार बना दिया, रोशनी से भर दिया, ऐसा लग रहा था कि आपके लिए तो 2 मई आज ही आ गई है। आपका मुझ पर जो ये स्नेह है और यही आपका स्नेह दीदी को बहुत परेशान करता है। और 4 चरणों के मतदान के बाद आपने जिस तरह बीजेपी की विजय तय की है, उससे तो दीदी आग बगुला हो गई है। इधर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उधर दीदी आपको गाली दे रही है। दीदी आबोल ताबोल बोक्षण, दीदी और उनके दल की आजकल जो स्थिति है उसी के लिए कहा गया है, विपद काले बुद्धिनाश। इसलिए दीदी ने मोदी के साथ साथ बंगाल के एससी, बंगाल के एसटी, बंगाल के ओबीसी के मेरे भाई और बहनों को उनके विरोध एक प्रकार से खुली लड़ाई छेड़ दी है। दीदी ने बंगाल के सामान्य वोटर आप सभी को बदनाम करने का अभियान शुरू कर दिया है। साथियों, दीदी आपकी ईमानदारी पर हमला कर रही है। आप मुझे बताइए, दीदी कह रही है कि आप लोग 500 रुपया ले लेकर के आए हैं, क्या आप पैसे लेकर के आए हैं क्या? ऐसे नहीं, दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बोलो भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हो क्या? पैसे लेने की लालच में आए हो क्या? क्या किसी ने आपको पैसे देने का वादा किया है क्या? दीदी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? दीदी बंगाल के लोगों को बिकाऊ बता रही है कि नहीं बता रही है? इससे बड़ा किसी का अपमान हो सकता है क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दीदी को तोलाबाजों से कोई समस्या नहीं रही, लेकिन दीदी बंगाल के दलितों को आजकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही है। पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा कि 500-500 रुपए में बिक जाते हैं, और आज दीदी हमारे दलित भाइयों बहनों को उनके निकट व्यक्ति ऐसी भाषा दलितों के लिए बोले। भाइयों बहनों, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए कभी भी न ऐसी भाषा बोल सकता है, न ऐसा सोच सकता है।
आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अपने 10 साल के शासन में आपने गरीबों से बहुत विश्वासघात किया है। आपकी दुर्नीति ने उनका जीवन और मुश्किल किया है, लेकिन दीदी ये भी जान लीजिए, मेरे देश के किसी भी कोने में जाइए, बंगाल के किसी भी कोने में जाइए, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले किसी भी गरीब के पास चले जाइए, आप देखेंगे मेरे देश का गरीब, मेरे बंगाल का गरीब बिकाऊ नहीं होता है, मेरे देश का गरीब स्वाभिमानी होता है। गरीब आपके तोलाबाज कार्यकर्ताओं की तरह दूसरों की कमाई पर नहीं जीता है। जिस जनता जनार्दन का आप अपमान कर रही है, दीदी, ओ दीदी, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए दीदी, यही जनता जनार्दन आपका फैसला करने वाली है और उसने मन बना लिया है। और जनता के हर निर्णय का दीदी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको जनता के निर्णय को स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। भाइयों बहनों, रवि ठाकुर ने कहा है, ज्यादार कोरे छो अपमान, ज्यादेर कोरे छो अपमान, अपमाने होते होवे ताहा देर शोबार शोमान। दीदी, ओ दीदी, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा, ये रवि ठाकुर की बात है।